शोभाज किचनेट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही चटपटा रेसिपी लेकर आई हूँ, खट्टे मीठे चावल। आपने टैमरिंड राइस, लेमन राइस, कर्ड राइस तो बहुत खाए होंगे, पर क्या मैंगो राइस खाया है? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रॉ मैंगो राइस। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। एक कप चावल लिया है, कोई भी चावल आप ले सकते हैं जो आप डेली यूज में खाते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज है, थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा ग्रेट किया हुआ अदरक है, ये चना दाल, उड़द दाल, राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और ये कच्चा आम है जिसे मैंने छील कर रखा है। अब इसे काट कर हम ग्रेट कर लेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में पानी डाला। अब ये पानी बॉयल होने लगा, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और जो चावल हमने धो के रखे हैं वो चावल इसमें डाल देंगे और इसे पकने देंगे। हमारा चावल तैयार हो गया, अब इसके पानी को निकाल लेंगे। ये चावल थोड़ा सा कच्चा हो तभी इसे उतारना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। चावल को इसमें छान लेंगे। और अब हम मसाला तैयार कर पीसेस कर लिए हैं और इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। रॉ मैंगो राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। जब पैन गर्म हो जाए उसमें करीब 4 चम्मच तेल डालेंगे। ये रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं आप, चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा तड़का के लिए ये चना दाल डाल रहे हैं। थोड़ा उड़द दाल, थोड़ी सी राई और थोड़ा मूंगफली। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। ये थोड़ा चटक जाए उसके बाद हमने ये अदरक को ग्रेट करके रखा है, इसे भी थोड़ा इसमें डालेंगे। साथ ही प्याज को बारीक बारीक काट कर रखे हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। अब प्याज थोड़ा सा भुन गया, अब इसमें करी पत्ता डालेंगे। ये प्याज थोड़ा भुन चुका है, अब इसमें ये हरी मिर्च 3-4 हमने काट कर रखा है, इसे भी इसमें डाल देंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसमें करीब 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। और उसके बाद जो रॉ मैंगो हमने ग्रेट करके रखा है उसे भी डालेंगे, क्योंकि ये रॉ मैंगो राइस बन रहा है तो ये रॉ मैंगो का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मैंगो सॉटे हो चुका है, अब इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस को मैंने पहले से बॉईल करके रखा है, इसे इसमें ऐड करेंगे।
भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैं इसमें करीब 1.5 स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंगो थोड़ा खट्टा होता है तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। और अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है तो 1/2 चम्मच शुगर का भी डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको शुगर नहीं चाहिए तो आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शुगर डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में थोड़ा बटर डालेंगे, थोड़ा सा बटर इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगा। हमारा रॉ मैंगो राइस बनके तैयार है। ये बहुत ही झटपट बन जाता है और इसे आप प्लेन दही या रायता के साथ खा सकते हैं। देखा कितना झटपट बनकर तैयार हो गया। और ये बहुत ही जायकेदार, मसालेदार, चटकदार रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। मैंगो का सीज़न निकल नहीं जाए उससे पहले ही इसे ट्राई करें, खुद भी खाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अरे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।